नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड रिजल्ट के ऑल शिफ्टों में किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर इंक्रीज किए गए हैं, 18 जून, 19 जून, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। दोस्तों, यह जानकारी हम आपके लिए केवल इन्फॉर्मेशन के तौर पर दे रहे हैं, कुछ इसका कन्फर्मेशन SMS या फिर सबूत मेरे पास नहीं है। दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपने नंबर भी बताए हैं कि मेरे नंबर इतने थे और मेरा क्वालिफाई हो गए हैं। तो दोस्तों, उस हिसाब से मैं नंबर इंक्रीज़ करके आपको बता रहा हूँ कि कितने नंबर किस शिफ्ट के यहाँ पर इंक्रीज़ किए गए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नया अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किन शिफ्ट में यहाँ पर कितने नंबर इंक्रीज किए गए हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों, आपके सामने है इस चारों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 18 जून को हुआ था, 19 जून को और 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को, इन चार शिफ्टों में एग्ज़ाम संपन्न किया गया था। और दोस्तों, पहली जो शिफ्ट में रिजल्ट आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ किए गए थे, लेकिन दोस्तों दूसरा जो रिजल्ट आया है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 18 जून को जो इंक्रीज नंबर किए गए हैं नोबलाइजेशन के कारण, उनको वह केवल 9 नंबर प्लस ही इनमें इंक्रीज़ किए गए हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया है कि केवल उनके 9 नंबर ही इंक्रीज़ करके उनको क्वालिफाई किया गया है। कितने 9 नंबर क्वालिफाई हुए 18 जून के एग्ज़ाम में। और दोस्तों, बात करते हैं 19 जून को जो यहाँ पर पेपर हुआ, दोस्तों उनके भी यहाँ पर 8 से 9 नंबर तक इंक्रीज़ हुए हैं, इससे ज़्यादा नंबर अभी तक किसी के भी नहीं हुए हैं। और दोस्तों, 5 से 6 अक्टूबर के, तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ मैं कह सकता हूँ कि 6 नंबर तक इंक्रीज़ किए गए हैं, यानी कि दोस्तों जो 25 अक्टूबर को पेपर हुआ था इसमें कंफर्मेशन के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि 6 नंबर इसमें प्लस होके विद्यार्थियों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। लेकिन दोस्तों 26 अक्टूबर को जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इंक्रीज़ करके उनको क्वालिफाई किया गया है, क्योंकि दोस्तों इस रिजल्ट में कुछ भी कन्फर्मेशन के साथ कुछ कोई नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा हुआ है कि जिन जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है, और जो नंबर कट ऑफ से कम है उनको क्वालिफाई किया गया है, यानी कि कुछ 4-5 नंबर कम है यदि उनको ही यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है, वो भी 18 जून और 19 जून के डेट पर जिनका एग्ज़ाम हुआ था वही लोग अधिक यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। यानी कि दोस्तों 25 और 26 अक्टूबर को जिन विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था उनके लिए यहाँ बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं किए गए, शायद माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि माइनस नहीं होते तो जो जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स है वो है क्वालिफाई हो जाते हैं, तो 100% ही सत्य है। तो दोस्तों, यह जो मैंने जानकारी आपके लिए बताई है दोस्तों, मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने यह जानकारी आप तक पहुंचाई है। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।